पर दस्तूद अफेक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आपको डेरा सच्चा सौदा के अंदर से कवरेज दिखा रहे हैं, जानते हैं जहां का यहां पर आने वाली जनता का क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के लिए। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? अनीता। अनीता जी कहां से आए हो आप? हम फिरोजपुर से हैं। मैम डेरा सच्चा सौदा संस्था को कितने समय से जानते हो? हम 15 साल से करीब जानते हैं। कितना विश्वास करते हैं मैम गुरु जी? बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों विश्वास करते हो? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर विश्वास? यहाँ आकर हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है और हमें बहुत विश्वास है अपने पिताजी पर। मैम गुरु जी ने काम क्या किए हैं समाज के लिए, लोगों के लिए? उन्होंने बहुत मतलब भले काम किए हैं, गरीबों को घर बना के दिए हैं, विधवा की शादी करवाई है और गरीब बच्चों को अपनाया है और काफी मतलब क्या आपको लगता है ऐसे संत की समाज को जरूरत है? हाँ जी बहुत जरूरत है। जो 4 साल से ज्यादा समय हो गया वो नहीं है समाज में, तो अब क्या इम्पैक्ट, क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज के ऊपर उनके नारे? क्या आपको लगता है भी मतलब कुछ प्रभाव, कुछ नुकसान उनके ना रहने से समाज में? हाँ बहुत नुकसान हो रहा है, मतलब पिताजी यहाँ नहीं आए तो। मैम जो दूसरी तरफ संत जी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो बातें उठाई जा रही हैं, उसके बारे में आपका क्या मान? वो जो आरोप लगाए जा रहे हैं पिताजी पर वो सब झूठ है, हमें अपने पिताजी पर बहुत विश्वास है। क्या अपील करोगे, क्या मांग करोगे सरकार से? हम सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे पिताजी जल्द से जल्द आए। जी मैम बहुत बहुत धन्यवाद, जल्द से जल्द सेंड डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिनसा समाज में वापस आए। जय अंता की अपील मांगे। आप भी देखते रहिए सच्ची बात इफेक्ट्स के साथ टाइम में। बहुत बहुत धन्यवाद।